हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कहानी लेखन सीखेंगे। कहानी की परिभाषा जानते हैं। किसी घटना के रोचक और मनोरंजन पूर्ण वर्णन को कहानी कहते हैं। मतलब कोई घटना घटी हो, घटना अच्छी या बुरी हो, उसका जब आप बहुत अच्छे से और आनंददायक वर्णन करते हैं तो उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी लिखते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज, कहानी में कोई न कोई कहानी अवश्य होनी चाहिए। कुछ एक लोग कहेंगे कि कहानी में कहानी नहीं होगी तो और क्या होगा। होता यह है कि कई बच्चे, कई विद्यार्थी जो हैं, वो अलग अलग घटनाओं को ऐसे ही जोड़ देते हैं और कहते हैं कि कहानी है। नहीं, आकस्मिक घटने वाली घटनाएं नहीं होती है वहां पे कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, उसे फैंटेसी आप कहते हैं, उसे कहानी नहीं कहेंगे। कहानी में एक कहानी होनी चाहिए जो शुरू से अंत तक जानी चाहिए, अपने परिणाम तक जानी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। भूतकाल में आप जानते हैं, बीती हुई बातों का वर्णन होना चाहिए। जैसे कि रामपुर नाम का एक गांव था, वहां पर रामू नाम का एक लड़का रहता था, यह भूतकाल हुआ। तो कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, बीती हुई घटना पर आधारित। कहानी तीन परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। मतलब कि कहानी में तीन पैराग्राफ होने आवश्यक है। तीन पैराग्राफों में से लिखना चाहिए। किस पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कहानी में आए पात्रों, पात्र मतलब हो गया कैरेक्टर्स, यानी जो व्यक्ति आए हैं, और स्थानों को नाम देना चाहिए। यानी कहानी में जो व्यक्ति आए हैं उनके नाम होने चाहिए, और जिस स्थान की वह कहानी है उन स्थानों के नाम होने चाहिए। जैसे व्यक्तियों के नाम रामू, श्यामू, इस तरह से सुरेश, महेश, स्थानों के नाम रामपुर या सूरजगढ़। इस तरह से कहानी में जो व्यक्ति आए हों, जो स्थान आया हो, उसको आपको एक नाम देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो मुख्य तथ्य है वह है, प्रश्न में दिए गए मुद्दों के अनुसार पात्रों का वातावरण, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि का वर्णन होना चाहिए। जैसे अमीर गरीब अथवा गांव शहर, शिक्षित अशिक्षित के वातावरण, खान पान, वेशभूषा आदि में अंतर होता है। अब ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये देखना चाहिए मुद्दा जो दिया गया है आपको कहानी लेखन के लिए, तो वह पात्र किस वातावरण का है। मतलब शहर का है या गांव का है, अमीर है या गरीब है, तो उसी के अनुसार उसका खान पान आपको दिखाना है। ये ध्यान में रखना है कि अमीर का खान पान गरीब से अलग होगा, उसी तरह से उसका कपड़ा इत्यादि होना चाहिए, उसका पहनावा होना चाहिए, उसकी वेशभूषा होनी चाहिए। साथ में ही उसका रहने सहने का ढंग भी होना चाहिए, उसी तरह की उसकी भाषा होगी। तो यह महत्वपूर्ण बात होती है, अक्सर बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो जैसा पात्र होगा ऐसा ही उसका वातावरण होगा, उसी के अनुसार उसकी वेशभूषा होगी। अब पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो उसकी भाषा अलग होगी। अब यह देख रहे हो गांव की कहानी है कि शहर की, उसके अनुसार वहां के वातावरण का चित्रण होगा। गांव में रहता है, अमीर है कि गरीब है, उसके अनुसार होगा। इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कहानी लेखन में। प्रश्न में दिए गए मुद्दों के आधार पर ही कहानी लिखनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से कुछ लिखना शुरू करते हैं और मुद्दे भूल जाते हैं। नहीं, कहानी लिखते समय हमेशा जो पेपर में या जो प्रश्न में मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, और उन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय बहुत अच्छा रहे अगर विद्यार्थी मुहावरों का प्रयोग करें, तो हमें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज जो ज्यादा बच्चे करते हैं, सातवें पॉइंट में है, यह नहीं करना चाहिए। केवल दो मुद्दों के बीच के रिक्त स्थानों को भर देने पर मार्क नहीं मिलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, दो
मुद्दे दिए हैं और उन मुद्दों को लेकर के बीच में कुछ शब्द लिख देंगे, कहानी हो गई, आधा पेज ऐसे ही लिख डालेंगे या 15 लाइन, वो कहानी नहीं कहलाती, उस पर कोई मार्क नहीं देता है बोर्ड। पात्रों के द्वारा किए गए संवाद अर्थात बातचीत को, उनकी बातों को दोहरे अवतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। तो दो व्यक्ति जो बातचीत करें तो उनकी बातचीत को दोहरे अवतरण में लिखना चाहिए। जैसे राम ने श्याम से कहा, अब कहा के बाद जो बातें उसने कही है वो दोहरे अवतरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखना है। दो व्यक्तियों के बीच की बातें भूतकाल के साथ साथ वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में भी लिखी जाती हैं। मतलब दो व्यक्ति के बीच अगर बातचीत हो रही तो भूतकाल भी उसमें होगा, साथ ही साथ अगर आप उसमें वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं तो भी हो जाएगा और भविष्य काल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन मूलतः कहानी किसमें लिखनी? भूतकाल में। लेकिन जब आप दो व्यक्तियों की बातचीत दिखाएं तो वहां वर्तमान काल और भविष्य काल भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, 10वां पॉइंट, कहानी को उचित शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक का मतलब है टाइटल, नाम देना चाहिए। तो शीर्षक कैसे देना चाहिए इसके बारे में आगे बताया गया, लेकिन इतना बता दूं कि जैसे आप द्वितीय भाषा हिंदी की बात करें तो उसका पहला पाठ है भारत महिमा। अब उस पाठ का शीर्षक भारत महिमा क्यों रखा गया? क्योंकि पाठ भर में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो उसी तरह कहानी में जिसका वर्णन किया जाता उसी के आधार पर कहानी का शीर्षक दिया जाना चाहिए। जैसे कहानी के किताबों के पाठों के नाम छोटे होते हैं, वैसे कहानी के शीर्षक का नाम भी छोटा होना चाहिए, फिल्मी नाम नहीं होने चाहिए। आगे शीर्षक पेज पर सबसे ऊपर लिखना चाहिए। ध्यान रखें कि शीर्षक जो आप देते हैं तो कहानी जहां से शुरू कर रहे हो एकदम ऊपर पेज पर सबसे पहले ऊपर लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले लिखा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आगे शीर्षक कहानी की कथा से संबंधित और संक्षिप्त अर्थात छोटा होना चाहिए। जो भी आप शीर्षक दें वो जैसा मैंने बताया कहानी जो कथा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैंने भारत महिमा कही तो भारत महिमा में भारत का के महत्व का वर्णन किया गया, उसका गुणगान किया गया। इसी तरह फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में पहला पाठ अगर हम ले लें उड़चल हारिल, उसमें हारिल के उड़ने के बारे में वर्णन किया गया, इसलिए उस कविता का नाम उड़चल हारिल है। इसी तरह अगर उसमें हम दूसरा पाठ तीसरा पाठ देखते हैं नाम चर्चा, तो उस पाठ में केवल नाम की चर्चा की गई, इसलिए उस पाठ का शीर्षक नाम चर्चा है। वैसे ही कहानी का भी जो शीर्षक हो कहानी से संबंधित हो और छोटा होना चाहिए, कुछ इस तरह से जैसे लालच का फल। अगर कहानी में लालच के बारे में बताया गया है तो हम उसका शीर्षक दे सकते हैं लालच का फल। अगर सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है तो हम उसका शीर्षक दे सकते हैं सच्चे मित्र या सच्ची मित्रता। इसी तरह से 12वां पॉइंट, शीर्षक कहानी में घटी घटना पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो घटना घट रही जैसे लालच के बारे में चल रहा है और आप यहाँ पे सच्चे मित्र दिखा रहे हो या ईमानदारी का फल दिखा रहे हो तो वह गलत होगा। यानी जो घटना घट रही है कहानी में उसी के आधार पर शीर्षक होना चाहिए। 14वां पॉइंट, 13वां पॉइंट, कहानी से मिली सीख कहानी के अंत में लिखना चाहिए। यानी पूरी कहानी लिखकर हो जाती है तो कहानी जहां पे खत्म हो उसके नीचे सीख हेडिंग डाल के तब कहानी से क्या शिक्षा मिली वह लिखना चाहिए। सुवचन अथवा कहावत के आधार पर, जिसे कहा जाता है दिए गए शीर्षक के आधार पर, कहानी लिखते समय छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार कहानी लिखने की स्वतंत्रता होती है, परंतु कहानी शीर्षक से संबंधित होनी चाहिए। कई बार ऐसा दे दिया जाता है शीर्षक जैसी करनी वैसी भरनी, तो वहां पे शीर्षक आपको दिया है अब उसके आधार पर कहानी लिखनी है। यहाँ आपको पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है, फ्रीडम है कि आप कहानी में क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन वह कहानी यह बतानी चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ रहा है। कोई जो है
वहां पे जानवरों की कहानी ले सकता है, कोई इंसानों की कहानी लिख सकता है, तो वहां पे फ्रीडम होता है, मुद्दे नहीं होते हैं। तो यह काफी आसान बच्चों को रहता है, लेकिन कई बार बच्चे यहाँ भटक भी जाते हैं। अगले पॉइंट में 15वें परीक्षा में नंबर 1 मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, नंबर 2 सुवचन शीर्षक या कहावत के आधार पर कहानी लेखन, नंबर 3 अधूरी कहानी को पूर्ण करना। हालांकि ये अब निकल चुका है, ज्यादातर इसका मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता है आए, ऐसा भी रह सकता है। और चौथा प्रकार है कि शब्दों के आधार पर कहानी, इन चारों में से कोई एक कहानी आपको एग्जाम में आती है, चारों नहीं आएंगी, कोई एक ही आएगा आपको, उन्हीं एक में से आपको यह कहानी लिखनी होती है। अगला पॉइंट, अब मुद्दों के आधार पर, सुवचन के आधार पर मैंने बताया, सुवचन के आधार पर बताया। अब कहानी, अधूरी कहानी में क्या होगा कि यहां पर कुछ कहानी का भाग लिखा रहेगा, आगे कहानी को पूरा करना होगा। शब्दों के आधार पर चार शब्द दिए होंगे, उन्हीं के आधार पर आपको कहानी पूरा करना होगा, जैसे लड़का, आलसी, आत्महत्या, सफलता या परिश्रम, इस तरह से दिया रहेगा, उसके आधार पर कहानी आपको खड़ी करनी होगी। अगला है कहानी में घटना, स्थान, पात्र, पात्र मैंने बताया था व्यक्ति है, और दृश्य का वर्णन करना चाहिए, मतलब कहानी में जो घटना हुई है, जैसे उसने लालच दिखाया, तो उसका पूरा विधिवत वर्णन हो, जो स्थान आया है, रामपुर, श्यामपुर, जो भी है, उसका वर्णन हो, यानी वहां की प्रकृति, जलवायु का वर्णन, वहां के लोगों का वर्णन, जो व्यक्ति आए है उस व्यक्ति के अंदर कौन सी खूबी है, क्या दोष है, क्या कमी है, उसका वर्णन होना चाहिए, उसकी अच्छाइयों का वर्णन होना चाहिए। और जो वहां दृश्यावली है, प्राकृतिक दृश्य है या लोगों की भीड़ भाड़ है, उसका वर्णन होना चाहिए। अगला है पात्रों के बीच संवाद, बातचीत होनी चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए, इस पर मैंने बता दिया है आपको। 18वां पॉइंट है कहानी का प्रारंभ, मध्य भाग दूसरे पैराग्राफ से संबंधित होना चाहिए, यानी पहला पैराग्राफ दूसरे भाग से, दूसरा पैराग्राफ तीसरे से संबंधित होना चाहिए। अब पहले भाग में क्या लिखना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ, पहले भाग में पात्रों, स्थानों का नाम लिखना चाहिए, मतलब, और साथ में पात्रों के स्वभाव, उनके गुण, दोष के बारे में बताना चाहिए। अब जैसे क्या होगा, रामपुर नाम का एक गांव था, ये हमने स्थान का नाम दिया, वहां पर रामू नाम का एक विद्यार्थी रहता था, उस व्यक्ति का नाम बताया। अब उसके स्वभाव, गुण, दोष के बारे में, वह पढ़ाई में कमजोर था, इस तरह से 5-7 पंक्तियों में आपको यहाँ पे वर्णन करना होता है। दूसरे भाग में कहानी का जो विषय दिया गया है, उसकी व्याख्या करना चाहिए। अब विषय क्या है कि आगे जब पहले या दूसरे पॉइंट के बाद जाएंगे आप, तो वहां पे पाएंगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है या आलस दिखा रहा है या ईमानदारी की बात कर रहा है या लालच की बात कर रहा है, लालची है या बेईमान है या लोगों की मदद करता है या अच्छा मित्र है, इन सब में से जो भी विषय आपको दिखा, उसका विधिवत वर्णन होना चाहिए, उसकी विधिवत व्याख्या होनी चाहिए, अच्छे से व्याख्या होनी चाहिए। तो ये लगभग 20 से 25 पंक्तियों में हो। तीसरे भाग में कहानी का अंत करना चाहिए, इसमें पात्रों के कार्य के मिलने वाले फल परिणाम का वर्णन करना चाहिए, यानी 5-6 पंक्तियों में, यानी जैसा उसने काम किया, चोरी किया था तो उसका क्या फल मिला, झूठ बोला तो क्या फल मिला, आलस दिखाया तो क्या परिणाम हुआ, ये 5-6 पंक्तियों में होना चाहिए। जैसे तीसरे पैराग्राफ में यहां लिखा गया है,
जैसे परिश्रम का महत्व समझा और खूब परिश्रम की। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और उसे सजा मिली। आलस दिखाने पर सफलता प्राप्त नहीं होती। ये तीसरे पैराग्राफ में कुछ इस तरह से हो सकता है कोई एक, जैसा कि आपका दूसरे पैराग्राफ में विषय रहे। अब नोट क्या रखना है, शीर्षक पेज पर सबसे ऊपर लिखना चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए ऐसा मैंने नहीं कहा, बल्कि अंत में लिखना चाहिए शीर्षक, लेकिन सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए। जब कहानी आप लिख लें तो जैसा आपको विषय मिला उस अनुसार, जैसे शीर्षक ये हो सकते हैं परिश्रम का फल, झूठ का परिणाम, ईमानदारी का फल, सच्चे मित्र, इस तरह से कोई एक शीर्षक जो विषय को बताता रहे ऐसा शीर्षक होना चाहिए। सीख क्या हो सकती है, कहानी समाप्त होने पर लिखना चाहिए सीख को, जैसे परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, सच्चा मित्र वह है जो हमेशा अपने मित्र की सहायता करे, इस तरह से हमें सीख लिखनी चाहिए कोई एक। अब मुद्दा लेते हैं, प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए 5 मार्क के लिए, यह एग्जाम में आता है। अब है एक विद्यार्थी असफलता मिलना, निराश होकर आत्महत्या करने जंगल में जाना, मकड़ी को बार बार ऊपर चढ़ते देखना, सफलता का मार्ग मिलना, वापस लौटकर परिश्रम करना, सफलता मिलना फिर से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला और दूसरा पॉइंट मिलाकर यह पहला पैराग्राफ हो गया। अब एक विद्यार्थी है, अब यह इसके शहर या गांव का वर्णन करना है जहां वह रहता है उस स्थान का, चूंकि जंगल है तो जंगल गांव में होते हैं शहर में नहीं, तो यहां पर कि एक गांव का नाम रखिए, पहले रामपुर नाम का एक गांव था, वहां पर रामू नाम का एक लड़का रहता था, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। अब असफलता मिल रहा है तो होशियार तो नहीं रहा होगा, परिश्रमी नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे बताइए कि वह पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देता था, आलस दिखाता था, ठीक से परिश्रम नहीं करता था, जिस कारण उसे परीक्षाओं में असफलता मिला करती थी। ये पहला पैराग्राफ आपका हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का वर्णन कीजिए, पूरा का पूरा घटनाक्रम एक के बाद एक दिखाइए, अंतिम में तीसरे पैराग्राफ में कि जब वह प्रेरित होकर मोटिवेट होकर मकड़ी से घर लौटा तो उसने खूब परिश्रम किया, खूब परिश्रम किया, दिन रात पढ़ाई की और परीक्षा में उसे अच्छे मार्क मिले, इस तरह से वह परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह से आपको कहानी लिखना है, इसी आधार पर हम लोग कहानी लेखन करेंगे।